गाइस अगर आप लोग ऑक्शन देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे आप सभी को टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा, तो फटाफट जाके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बारे में। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम इस साल की मिनी ऑक्शन में बैटिंग में कौन कौन से खिलाड़ी को टारगेट करने वाली है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ऑफिशियल की तरफ से हम सभी को अपडेट देखने को मिली है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरे एंड तक जरूर देखिएगा एंड साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले खिलाड़ी के बारे में। सबसे पहले जिस खिलाड़ी का गाइस यहाँ पे नाम निकल कर आया है उस खिलाड़ी का नाम है मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल इस साल के मिनी ऑक्शन में हम सभी को नजर आने वाले और बहुत ज्यादा महंगे बिकने वाले ये सभी लोग कह रहे हैं एंड गाइस यहाँ पे महंगे बिकने ही वाले हैं, सबको पता है ये बात। बट गाइस जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जिस तरीके से बैटिंग में एंड ऑलराउंडर एंड बॉलर्स में गाइस यहाँ पे बेस्ट खिलाड़ी को गाइस यहाँ पे पूरी तरीके से पिक कर रही है एंड बता रही है कि यहाँ पे एक खिलाड़ी यहाँ पे आने वाले हैं एंड इसमें से किसी के एक खिलाड़ी को गाइस यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम यहाँ पे पूरी तरह से टारगेट करने वाली है। तो गाइस यहाँ पे मयंक अग्रवाल के पीछे यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम यहाँ पे भाग सकती है एंड मैंने आप सभी को कल वाली वीडियो में बताया भी था अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है तो गाइस यहाँ पे एक बड़े खिलाड़ी को तो इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम इस साल के मिनी ऑक्शन में। और अगर गाइस यहाँ पे आरसीबी की टीम में मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ी आते हैं तो आरसीबी की टीम कितना ज्यादा और ज्यादा बेटर हम सभी को नजर आने वाला है आप लोग यहाँ पे खुद इमेजिन कर सकते हैं। आईपीएल 2023 कैसा होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के लिए। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी के बारे में। नेक्स्ट जो गाइस यहाँ पे खिलाड़ी निकल कर आ रहे उनका नाम है हैरी ब्रॉक। हैरी ब्रॉक की बात करें तो गाइस ये भी काफी कमाल के परफॉर्मेंस कर रहे हैं एंड काफी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं और इनके पीछे काफी सारी ऐसी टीमें गाइस यहाँ पे भागने वाली है इस साल के मिनी ऑक्शन में। और गाइस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का भी कहना है कि इनके पीछे भी हम भाग सकते हैं और इनको भी हम टारगेट करने की पूरी कोशिश करने वाली है। अगर हाथ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं आते हैं तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम इनको भी पूरी तरह से जाने देने वाली है। तो गाइस अब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के पॉसिबल टारगेट प्लेयर्स के बारे में जिनको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम अपने टीम में इंक्लूड कर सकती है क्योंकि जितना उनका पैसा है तो गाइस उस पैसों में गाइस इन खिलाड़ी को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम अपने टीम में पूरी तरह से इंक्लूड कर सकती है। तो गाइस पे उसमें से नाम निकल कर आ रहे इन जगदीशन का। इन जगदीशन का नाम मैंने आप सभी को पहले भी बताया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऑफिशियल की तरफ से भी हमें अपडेट देखने को मिली थी और आरसीबी की टीम इनको टारगेट करने वाली है ऐसी हम सभी को अपडेट भी देखने को मिली थी। तो गाइस पे इनको पूरी तरीके से टारगेट करने वाली है एंड इनको अपने टीम में इंक्लूड कर सकती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी के बारे में। नेक्स्ट जो गाइस पे खिलाड़ी है उनका नाम है के एस भारत। तो गाइस पे के एस भारत को भी गाइस पे लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम एंड इनको अपने टीम में फिर से इंक्लूड करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम इस साल के मिनी ऑक्शन में। तो गाइस पे इन खिलाड़ी को गाइस पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम यहां पे पिक कर सकती है। साथ में मयंक अग्रवाल गाइस पे एक बड़े खिलाड़ी को अगर आरसीबी की टीम अपने टीम में इंक्लूड करती है आईपीएल 2023 के लिए तो काफी अच्छा होने वाला है आरसीबी के टीम के लिए। तो गाइस इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा अपना अपना ओपिनियन। सो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप सभी को लिंक देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।